गुरु जी की फतेह। मेरे आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक तथा मेरे सभी साथियों, आज मैं आपको उन चार शहीद जादू की कहानी बताऊंगा जो अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। पंजाब में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये 7 दिन शोक का सप्ताह माना जाता है, क्योंकि इन 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिसमें से 2 पुत्र तो अपने पिता के साथ चमकौर के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और जो 2 पुत्र थे वो सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिए गए। जब वो ईंटें छोटे साहिबजादे की गर्दन तक पहुंच गई, तब बड़ा बेटा रोने लगा। फिर छोटे बेटे ने बड़े बेटे से कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या आप कायर हो? कि भैया, जब गुरबानी का समय आ गया तब आपकी आंखों में आंसू आने लगे। तो बड़े बेटे ने कहा, मैं इसलिए नहीं रोता कि गुरबानी का समय आ गया है, मैं तो इसलिए रोता हूं क्योंकि इस दुनिया में पहले मैं आया था और जा तू रहा है। औरंगजेब ने सोचा, क्यों ना इन्हें सरहिंद की दीवारों में सुनवा दिया जाए। जो ठंड शरीर की हड्डियों को तोड़ सकती है, क्या वो इन 2 छोटे बच्चों का हौसला नहीं तोड़ सकती? उसने भी सही सोचा था, पर उसे क्या पता था ये गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं। इनके अंदर तो इतनी गर्मी है कि ये बर्फ की सिलियों को पिघला सकते हैं, हिमालय की बर्फ को पिघला सकते हैं। उन दोनों को सरहिंद की दीवारों में 3 दिन और 2 रातों के लिए रखा गया, पर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और वो 3 दिन और 2 रातें बिना किसी कंबल के, बिना किसी चादर के वहीं गुजार दिए और जीत हासिल की। जिसके बाद उन दोनों को औरंगजेब के पास लेके जाया गया और उन्हें लालच देने की कोशिश की गई कि हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो देंगे, पर तुम हमारा धर्म कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जान देंगे पर अपना स्वाभिमान नहीं देंगे, अपना स्वाभिमान नहीं देंगे। तो उन्हें कहा गया कि अगर तुम हमारा धर्म नहीं कबूल करोगे तो हम आपको मार देंगे, क्योंकि जो झुकेगा नहीं उसका हम कत्ल कर देंगे। तो उन दोनों ने कहा, हम आपका धर्म कबूल करने के फिरामात में नहीं है, हम आपका धर्म कबूल नहीं करना चाहते। तो उसने उन दोनों साहिबजादों का गला कटवा दिया। इसके बाद उन दोनों ने हमारी पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अपने धर्म के लिए झुको, दूसरों के धर्म के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए लड़ना सीखो, चाहे बात अपनी जान पे क्यों ना आ जाए। बोले सोने हाल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।